हेलो बच्चों, बस कौन सा एक सम बचा हुआ था, जल्दी बताओ। चलो पेज 151, क्वेश्चन नंबर 21। अरे क्या हो रहा है, पढ़ लिए, बोलो कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, होल्डिंग का वो लिखा हुआ छोड़ो ना, थोड़ा टाइम बचाओ। कितना तारीख को खरीदे हैं स्टेक, उसके बाद तो बहुत साल हो गए ना। कंसोलिडेशन 2010 के मार्च में करना है, और जब पुराना प्रॉफिट वगैरह खरीदे, जब पुराना शेयर खरीदे थे तो रिजर्व वगैरह का डिटेल तो दिया हुआ है ना हम लोगों को, है ना दिया हुआ। तो एक बार एफ नंबर पॉइंट को खाली देख लो ना, कितना पे कितना बोनस दिया और कौन सा कंपनी दिया, कौन सा कंपनी। वो होल्डिंग दिया है क्या, अच्छा एच सब्सिडरी है, अच्छा एच होल्डिंग नाम से।
अच्छा, एट सब्सिडरी कंपनी है उसने बोनस दिया है, कितना पे कितना बोला? और उसका अकाउंटिंग हुआ या नहीं हुआ है अभी तक? तो जरा पता कर फिर कितना कितने की शेयर कैपिटल है उसकी? 4 लाख। आराम से आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। 4 है ना, तब तो अकाउंटिंग हो गया। देख 4 में हम लोग के पास फिर 1,60,000 शेयर है, नहीं तो फिर हमारे शेयर भी तो बढ़ेंगे ना 2010 के बाद, फिर तो हम लोग होल्डिंग ही नहीं बनेंगे। अरे भाई अकाउंटेड होने से ना बनेंगे रे बाबा, समझ बात को। 400 में 16 रहेगा, सब्सिडी भी नहीं बनेंगे ना रे बाबा। अभी भी नहीं समझे ना तुम लोग? आप एक काम करो, खाली एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक बार टोटल टोटल करके देख दो बेटा। थोड़ा सा चेंज करवा रहा हूं। हाँ कितना मिला आपको टोटल? टोटल मैच किया 1453। 1453 खाली टोटल चेक करो। कर लिया ना बेटा? खाली एक छोटा सा रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, चेंज इट। 400 को कर दो 200, काट के 200 कर दो उसको, नहीं, और 650 को कर दो 850। बस अब सम सॉल्वेबल हो जाएगा, नहीं तो फिर दोनों ही एसोसिएट बन जाएगा। ठीक है, नाउ पहले हम लोग सब्सिडरी का बात करते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी वाला काम। मैं क्या बोला था, 3 स्टेप करने हम लोगों को, ठीक है, एओपी, माइनॉरिटी और गुडविल, 3 काम करने हैं। अच्छा, हम लोग उस समय शेयर होल्डिंग बने थे, शेयर होल्डर बने थे आज के 5 साल पहले, जब उसका कैपिटल 200 था। मैं 200 करके बात कर रहा हूं, आज भी 200 है, लास्ट डेट में वो 1:1 बोनस दिया तो 200-400 बना। क्लियर है? और क्वेश्चन में बोला नहीं बोनस कौन सी प्रॉफिट से दिया, हमेशा मानना बोनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया जाता है। डिविडेंड लेटेस्ट प्रॉफिट से देते हैं, बोनस ओल्डेस्ट प्रॉफिट से दिया जाता है, यही नॉर्मल रूल चलता है इंडिया में। तो आप खाली एक बात बताओ, डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडियरी वाला क्या है? 31/10/2005। दोबारा बोलो। 31/10/2005। हाँ, सब्सिडियरी की बात कर रहा हूं भैया। और मेरा परसेंटेज होल्डिंग कितना है? 13। हाँ कोई बात नहीं बेटा। और मेरा परसेंटेज होल्डिंग कितना? 1,60,000 शेयर है मेरे पास, 2 लाख शेयर में से। क्लियर? 2, लास्ट डेट में बोनस हुआ, बोनस का अकाउंटिंग नहीं किया। तो आपको याद है हम बोलते थे कि बोनस का अकाउंटिंग हो जाना चाहिए, रिवाइज करना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट को। तो आप सब्सिडरी कंपनी का रिवाइज्ड कैपिटल बताओ, जो 200 है वो प्लस 200 हो जाएगा और रिवाइज्ड रिजर्व्स बताओ। अब आप समझे मैं क्यों बोला ये बात? 400 में आप 1,60,000 शेयर रखवाओगे मेरे से,
तो 40% होल्डिंग हो जाएगी। उधर 2 लाख में से भी अगर 40% 80,000 रहेगा ओ में भी, तो दोनों एसोसिएट है। और मैं चाहता था एक सब्सिडरी एक एसोसिएट के हिसाब से सम बनाना, तो खाली इतना सा चेंज किया, बाकी सब सेम रखता हूं। चलो एओपी खाली 2 कॉलम बनेगा छोटा छोटा, एक प्री एक पोस्ट। बैलेंस इन रिजर्व ऑन 13/10/2005, बैलेंस इन रिजर्व एच का बताना, बैलेंस इन रिजर्व ऑन 13/10/2005 यहां से कितना बोनस दिए, गिर के हो गया 300। ये 300 बढ़ के हो गया 650, ये 300 बढ़ के हो गया 650। अब देखो एक डिविडेंड डिक्लेयर किया इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर, डिक्लेयर वर्ड लिखा है, बोलो हां, डिक्लेयर्ड वर्ड लिखा है, तो यहां से माइनस कर देना चाहिए डिविडेंड डिक्लेयर्ड को, लेटेस्ट प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर किया है सब्सिडरी कंपनी ने, और उसका 80% होल्डिंग को मिलेगा याद रखना, और 20% माइनॉरिटी को। तो जब लास्ट में कौन स्पीएंडल और माइनॉरिटी बनाओगे ना, तो थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है। लिखो डिविडेंड डिक्लेयर्ड, कितना डिविडेंड ये डिक्लेयर किया है छोटी वाली कंपनी ने, एच कंपनी ने, कर दो माइनस। कोई बात अपनी अगली वर्किंग का नाम देख लो एक बार, ये फाइनल कर लो। बोलिए क्या लिखोगे पहले, अमाउंट प्लीज। सुनो आप टेंशन मत लेना, बढ़ा हुआ कैपिटल और गिरा हुआ प्रॉफिट, टोटल इक्विटी सेम रहेगा, गुडविल सेम आएगा। हाँ तो शेयर ऑफ कैपिटल जब लेना ना, तो 200 से नहीं लेके जो रिवाइज्ड वाला कैपिटल है ना, ऐसा सम बनवाए हैं बहुत बार हम, 400 का 40% ले लें, 400 का 80% है ना अपने पास,
और शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी है क्या? देखो तो रे, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन वगैरह में देखो तो किसमें है रे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? वो कौन है? ठीक है, और वो म्यूचुअल सेटअप भी ओ में लिखा है क्या रे? और आप जानते हो ओ का म्यूचुअल सेटअप होता नहीं है, वो घुमाने के लिए दिया है ओ का म्यूचुअल सेटअप। देखो हम लोग पैरा भी लिखा है अलग से, आप लोग को ब्रेक पे जाते के पहले बोले थे इसको ध्यान करके आना, आ करके बताना। चल बता, शेयर ऑफ कैपिटल 80, प्री प्रॉफिट 60, पोस्ट प्रॉफिट। अब एक चीज सुनो, ये जो सब्सिडरी ने 30 का डिविडेंड दिया है, हम लोग प्रॉफिट से तो गिरा दिए पर उनको अभी तक पेमेंट तो हुआ नहीं है, तो ये डिविडेंड का भी तो हिस्सा होगा ना, दो जन से प्रॉफिट गिरा दिए तुम तो डिविडेंड भी तो दो जन को मिलेगा ना, माइनॉरिटी को और होल्डिंग को, तो आप दे दो। अच्छा, अभी हम लोग कंसोलिडेटेड पी एंड एल नहीं बनाएंगे, तीन वर्किंग हमने बना दिया, अब एसोसिएट का वर्किंग बनाएंगे। उसका पहला वर्किंग ही गुडविल का होता है, बोलो बेटा इन्वेस्टमेंट कितना लेना है और प्रॉफिट का कैसे हिसाब करना है देख करके बताओ। इन्वेस्टमेंट 184 है ना, उसकी पुरानी कैपिटल और पुरानी प्रॉफिट देख लो। कैपिटल तो पहले वाली है और प्रॉफिट भी पहला वाला अलग से दिया है 242, तो ऐसे कर लो 200 प्लस, बोलो बेटा 242 इंटू कितना परसेंट स्टेक लिए थे रे? 40%। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एकदम सिमिलर सम है, पीछे में जो वो वाला बनाए थे ना उसका भाई है ये। कितना लिखो बेटा? 176.8। ये गुडविल आउटर कॉलम में नहीं आएगा। अब बनाओ कॉन्स पी एंड एल। अच्छा, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा बात तो वही है।
मेरा परचेज प्राइस 184, ध्यान से 5 साल का प्रॉफिट ऐड करना है और 5 साल का डिविडेंड लेस करना है, वो जो मुझे मिला है सर। 5 साल का प्रॉफिट कहां से निकालेंगे बताइए तो, 242 बिगिनिंग है, उसके बाद 5 साल में बढ़ के हो गया 478, 236 का 40% लिख लो बस। कितना आया बेटा तुम्हारा? 94.4। इसका जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड है ना, वो माइनस करने की जरूरत नहीं है। जब वो हमको पे पूरा प्रॉफिट लिखा जाता, पैट जिसको बोलते ना, पफेस बोलते, डिविडेंड हटा के खाली पफेस निकाल लो, पफेस का अपना परसेंटेज खाली मल्टीप्लाई कर लो एक भी प्रेफरेंस डिविडेंड हटा करके। तो इस समय प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, पफेस पैट को ही पफेस बोलेंगे इस समय। तो हम लोग अब ये जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ना, हमको जब मिलेगा ना अगला बार, तब हम इन्वेस्टमेंट को लेस कर देंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है क्या देख लो तो, तो अपना शेयर निकाल लो उसमें से, पहले तो 20,000 की तो इन्वेंटरी है, उसमें प्रॉफिट है 1/5 4,000, उसमें अपना शेयर, आप समझे मैं क्या बोला? रुक जा मेरे को पूरा बोलने दे। 20 हो गया इन्वेंट्री इंटू 1/5 हो गया जीपी, ये हो गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसमें हमारा शेयर इंटू 40% माइनस कर दो, 2। बढ़िया, बहुत बढ़िया बना रहे हो, कर दिए 276.8। अब क्या बनाओगे? बैलेंस होल्डिंग का, बुक्स का बैलेंस बताओ। 1050। इसको सब्सिडरी से कितना प्रॉफिट मिला, ये एओपी में है वो बताओ, और इसको एसोसिएट से कितना प्रॉफिट मिला वो बताओ। आराम से बताना। हाँ बेटा बोलो, सब्सिडरी से कितना प्रॉफिट मिला इसको? दिया हुआ है एओपी में है, तो एओपी में है पोस्ट वाला प्रॉफिट, शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट फ्रॉम 256, और एसोसिएट से कितना प्रॉफिट मिला वो भी ऐड करा दे। एसोसिएट से अभी अभी तो क्यों इन्वेस्टमेंट में होगा 94.4, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना लेस करना होगा वो भी देख ले, वहीं पे ही होगा देखना। 1.6। रुक अभी टोटल मत करना, सब्सिडरी ने कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया था, हम उसकी प्रॉफिट को माइनस कर दिए थे, तो हमारा हिस्सा तो हमारे हिस्से में ऐड करेंगे ना, जैसे माइनॉरिटी का माइनॉरिटी में ऐड कर दिए, हमारा भी तो हिस्सा है ना इक्विटी डिविडेंड में। अब इसमें जानते हो, कई बार मेरे बच्चे मेरे को बोलते हैं, जब मैं फाइनल में पढ़ा था तब की बात बता रहा हूं, बोलते सर देखिए आप क्या किए, आप यहां से 30 माइनस किए फिर दोनों में ऐड किए, आप छोड़ ही देते एज इट इज, अब एज इट इज छोड़ देते, जब अल्टीमेटली ऐड
होना ही है तो मत माइनस करते, पूरा प्रॉफिट लेके करते। दो तरीके से सम बनवाते थे हम अपने टाइम पे, एक प्रॉपर अकाउंटिंग करके, जैसे लेस होता है लेस होना चाहिए अकाउंटिंग में, एक बिना उसके, दोनों में आंसर में एक रुपया का भी डिफरेंस नहीं आता। डन। एक लाइन लिखा है, मीनिंग बताओ, क्वेश्चन क्लोज करने जा रहा हूं। ई नंबर नहीं, बाकी सब ठीक है। कौन सी वाली गुडविल जाके देखो अच्छे से, एच वाला गुडविल। तो दो लाख, अब हम लोग तो असेट साइड में दिखाने वाले हैं, नहीं तो हमारा बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। अब वो बोल रहा आप असेट साइड में नहीं दिखा सकते इस टू को, क्योंकि ये राइट ऑफ कर देना है या हो गया है, तो कहां से राइट ऑफ करेंगे? हाँ, पीएनडल से राइट ऑफ होता है कोई भी असेट, जब भी राइट ऑफ होगा पीएनडल से राइट ऑफ होगा। तो आप लिखो राइट ऑफ ऑफ गुडविल। और एक छोटा सा बात, हो गया अपना सम, तो अब ना गुडविल तुम असेट साइड में मत दिखाना, ये गुडविल जीरो हो गया है। एक छोटा सा बात, होल्डिंग का भी कुछ डिविडेंड है, देखो होल्डिंग ने भी डिक्लेयर किया है, तो हम लोग डिक्लेयर डिविडेंड का तो अकाउंटिंग करते ना, सरप्लस टू डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल टू बैंक अगला साल लिख देंगे, बट सरप्लस टू डिविडेंड पेएबल तो करेंगे ना, तो इसका डिक्लेयर डिविडेंड माइनस करवा दो, लाइबिलिटी में दिखला देना बस। ओ का डिविडेंड माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ता ना, नहीं वो हम लोग क्योंकि रिसीट बेसिस पे जब हमको मिलेगा तब अपने इन्वेस्टमेंट से लेस करेंगे, तो अभी पूरा प्रॉफिट ऐड कर दिए। एक मिनट रुक, तुमको दिखाते हैं कहां गया उसका एसोसिएट का पूरा प्रॉफिट, एसोसिएट का वर्किंग कहां है, ये रहा, वो 236 कमाया था, ठीक है, और डिविडेंड उसने डिक्लेयर किया 15, तो उसका प्रॉफिट भी गिर जाना चाहिए तेरे हिसाब से, लॉजिकली राइट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में गिरना चाहिए, गिरा देंगे। बट सुन, अगर गिरा दिए, ऑलरेडी तुम लेस कर दिया, अगर लेस करके यहां पे तुम लिखा, तो बाद में जब डिविडेंड मिलेगा अगला साल, तब बैंक अकाउंट डेबिट करके टू क्या करेगा? अभी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा तभी ना उसको बाद में तुम गिरा पाएगा। टोटल फाइनल आंसर दे दे, 1.3 पॉइंट, गुड बॉय। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा हूं बिना लाइन खींचे हुए, ठीक है। आप भी प्लीज, रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा जल्दी मेरा हेल्प कीजिए। शेयर कैपिटल किसका लिखा जाता है? मिला तुम लोगों को कितना मिला? 600। बच्चों नोट नंबर वगैरह नहीं डाल रहा हूं इस बार। रिजर्व्स एंड सरप्लस का कौन सा फिगर यहां पे आएगा? आराम से सोच समझ के बोलो, एक ही फिगर है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग हमारा बनाया हुआ है, बोलो कितना? 210। नॉन करेंट लायबिलिटी है क्या? कैसे ऐड करोगे बोलो? 410। वेरी नाइस, ऑलमोस्ट जेरोक्स कॉपी सम था वो वाला और ये वाला, बस खाली डिविडेंड अलग से दिया हुआ था तो हम लोग को अपने हाथ से माइनस करना पड़ा,
हेलो, हम लोग को अपने हाथ से माइनस करना पड़ा क्योंकि नॉट अकाउंटेड फॉर दे दिया था। और ओ का क्यों माइनस नहीं कर पाए, समझ गए कि नहीं? क्योंकि अभी पूरा प्रॉफिट लिखा जाएगा, बाद में जब मिलेगा तब लेस करेंगे। बोलो, करेंट लायबिलिटी में ना दो चीज है, एक ट्रेड पेएबल है, एक मेरा डिविडेंड है, अदर करेंट लायबिलिटी में आएगा। मेरा डिविडेंड, मेरा वाला जो डिविडेंड है वो तो ओसीएल में ना डिक्लेयर किए हम, डिक्लेयर डिविडेंड बिकम्स ए लायबिलिटी। ये टोटल कितना लिखा? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये म्यूचुअल सेट ऑफ का कहानी था ना, डब्ल्यू और ओ में था। हाँ तो इग्नोर मार दे, 693 ना टोटल कर, टाइम लगता ही है भाई। हाँ देवांजन, थोड़ा देर के बाद दिखाएंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जोड़ना स्टार्ट करो। किसका किसका ऐड कर रहे हो? हाँ 1 3 गुड बॉय। हाँ ठीक है, बी में लिखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बताओ कौन सा वाला? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ओ वाला, 2 16 करेंट असेट, पहले लिखेंगे इन्वेंट्री, बच्चों भले अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था भी पर इन्वेस्टमेंट से माइनस हुआ था, याद रखिएगा। ये देखिए एसोसिएट के केस में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से माइनस होता है, इन्वेंट्री से नहीं। सब्सिडरी का होता, होल्डिंग का होता तो होता। बोलो, गुड बॉय। बी ट्रेड रिसीवेबल्स 707 कैश एंड बैंक बैलेंसेस 1। बच्चों वो 2 का गुडविल कहां गया? 2 का गुडविल नहीं तो 2 का गुडविल यहां दिखाना पड़ता। देखिएगा मैच कर गया होगा, टोटल मैच किया कि नहीं? एक बार लास्ट टाइम हम फिर से बता देते हैं, सबका टोटल टैली हुआ? अच्छा सम, स्टैंडर्ड सम एग्जाम में आया हुआ सम है, सीए फाइनल में एकदम आएगा तो कॉपी पेस्ट करके आएगा, सेम फिगर। खाली एक लाइन बता देते हैं, देखिए सी नंबर जो पॉइंट है, ए और बी इजी है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का बात कर रहा है। सी में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और अकाउंटिंग नहीं हुआ। हेलो मुन्ना एक बार छोड़ दे, शुभम टोटल देखना है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और अकाउंटिंग नहीं हुआ, तो डिक्लेयर डिविडेंड का तो अकाउंटिंग होता है, प्रपोज डिविडेंड का नहीं होता है। तो डिक्लेयर हो गया है, साफ लिखा उन्होंने, तो सरप्लस टू डिविडेंड पेएबल होना चाहिए। मिस्टेक रेक्टिफाई करेंगे तो हम सरप्लस टू डिविडेंड पेएबल किए, देखिए होल्डिंग का 65 माइनस किए और डिविडेंड पेएबल को लायबिलिटी में दिखाए।
अदर करेंट लाइबिलिटी, शेड्यूल थ्री पर पढ़ाते थे। सेम काम हम सब्सिडरी के लिए भी किया, जब सब्सिडरी का एओपी बनाया ना, यहां पे भी किया। ये मैं नहीं भी करता ना तो चलता, बट किया इसलिए कि ठीक है बच्चे देख लें कर लें, तो बच्चों को दोनों चीज दिखा सकूं, देख मैंने माइनस किया। नहीं भी करता तो भी एंड रिजल्ट सेम आता, क्योंकि कंसोलिडेशन में नहीं करने से भी चलता। लेकिन एसोसिएट का मैं कर ही नहीं सकता। अगर मैं एसोसिएट का यहां पे माइनस कर दिया, 236 तो प्रॉफिट था ना उसका, अगर मैं 15 माइनस कर देता, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बाद में जब हमको डिविडेंड मिलता तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करता? डिड यू गेट द पॉइंट? इसलिए इसका प्रॉफिट माइनस नहीं किया जाता, माने इसका डिविडेंड का अमाउंट को प्रॉफिट से माइनस नहीं किया जाता, पूरा प्रॉफिट लिया जाता है। बात समझ आया? डी नंबर पॉइंट तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का था, तुमने बोला डब्ल्यू और ओ के बीच का था, तो हम लोगों ने आराम से स्टॉक इनटू जीपी रेशियो का तो फंडा क्लियर है ही, और क्योंकि एसोसिएट के शेयर का कहानी था, मल्टीप्लाई मारे, प्रॉफिट भी गिराए, देख लो इधर प्रॉफिट भी गिराए यूआरपी से और इन्वेस्टमेंट को भी गिराए, क्योंकि एसोसिएट के केस में सारा एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट से होता है। ई नंबर नया चीज देखे, ई अभी तक कोई सम में। अच्छा और एक चीज बता दूं, ये जो किया है ना ये लीगली है। नहीं एक सम में और किए थे रे, याद है वार एंड पीस वाला सम था, वो लोग इन्वेस्टमेंट कोई राइट ऑफ कर दिया था रे, याद नहीं है क्या? उसके कारण गुडविल ऑटोमेटिक राइट ऑफ हो गया था, याद है? वो लोग डायरेक्ट कर दिया था, तो हम लोग का गुडविल कम ही निकला था, तो वो भी किए थे हम लोग। बट ठीक है, हम लोग पहली बार यहां पे देखे गुडविल राइट ऑफ हुआ, तो इतना सा काम है भाई। कोई भी असेट अगर राइट ऑफ होता है तो प्रॉफिट को गिराना होता है, असेट खत्म करना होता है। एफ नंबर देखो, बोनस का स्टोरी था, पुराना स्टोरी था, हम लोग जानते हैं इसको कैसे किया जाता है। जी नंबर पॉइंट म्यूचुअल सेट ऑफ था, लेकिन डब्ल्यू और ओ के रिस्पेक्ट में था, इसीलिए हम लोग टच भी नहीं किए। सो विथ दिस मेरा एज 23 इज ओवर। मंडे के दिन हम लोग जेवी की क्लास में मिलते हैं, मंडे बात करते हैं आपसे। कर सकता हूं मेरे को क्या जाता है? ओके कब है थर्ड सेम? हाँ तो अपना तो हो ही जाएगा। जेवी के बाद ही, जेवी नेक्स्ट दिन हो जाएगा।